In this video, we will discuss the second part of chapter 4 of class 12 physics, that is moving charges and magnetism. So let's start. सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें साइक्लोट्रॉन. इसकी डेफिनेशन, इट इज अ कॉम्पैक्ट डिवाइस यूज टू एक्सीलेट द पॉजिटिव चार्ज आयन और पार्टिकल अप टू अ वेरी हाई स्पीड एंड इट वॉज डिजाइंड बाई ल्यूरेंस इन 1932. मेनली जो इसका प्रिंसिपल है, सबसे मेन है इसका प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग. इसका प्रिंसिपल है सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, इट बेस्ड ऑन द फैक्ट डैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलेट द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड्स द सर्कुलर मोशन. सेकेंड इज द टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस और वेलोसिटी. इसमें मेन ये है कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, जिसकी मदद से हम कोई भी पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव पार्टिकल होगा उसको हम हाई एनर्जी देके हाई स्पीड पे एक्सीलेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से उस पार्टिकल की मदद से हम कोई भी न्यूक्लियाई है उसको हम डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं. इसमें होता क्या है, एक जगह पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया हुआ होता है और जो हमारे पास इसमें दो डाइज होती हैं जिसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया होता है. जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है हम उसको जो डाइज हैं उनके फेस टू फेस उसको सेंटर में रखते हैं. इसमें स्टार्ट कैसे होता है, जब भी हम दो डाइज को एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो उसमें इसका प्रिंसिपल है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलेट करेगी और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोवाइड करेगी सर्कुलर मोशन. जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो जो पार्टिकल है वो मोशन में आना स्टार्ट हो जाता है, वो मोशन करना स्टार्ट करता है. वो मान लो वो D1 में जाता है पहले, तो ये हमारे पास ये एसी करंट है, इसकी पोलैरिटी पीरियोडिकली चेंज होती है. अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है मान लो D1 हमारा पहले नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव में एंटर करता है उसी टाइम पे जो एसी है वो पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, ये D2 नेगेटिव हो जाता है. तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल करेंगे, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो पूरा सर्कल हाफ सर्कल मूव करके वो D2 की तरफ जाएगा. ऐसी ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहता है और ये हम जब तक करते हैं जब तक जो हमारा टारगेट होता है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो टारगेट तक ना पहुँच जाए. यही वर्किंग होती है साइक्लोट्रॉन की. फिर आता है जो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसकी जो काइनेटिक है मैक्सिमम उसमें मूविंग जब वो मूविंग कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q²B²R² / 2m, इन विच क्यू इज चार्ज, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ एंड एम इज अ मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल. और इसमें एक क्वेश्चन, सबसे पहले जब साइक्लोट्रॉन करते हैं दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि जो साइक्लोट्रॉन है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आयन को ही क्यों एक्सीलेट करने में यूज़ करते हैं, हम नेगेटिव को क्यों नहीं करते. तो उसका सिंपली एक आंसर है, ये है कि साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सीलेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एंड स्मॉल इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द इलेक्ट्रॉन टू मूव विद वेरी हाई स्पीड. और अगर वो ज़्यादा ही हाई स्पीड से मूव करेगा तो उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल और उसका हमारे पास कोई यूज़ भी नहीं होगा. इसमें जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है वो उसकी जो रेडियस है मतलब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी रेडियस का फॉर्मूला है रेडियस इज इक्वल टू mv/qv, इन विच r इज रेडियस, m इज मास ऑफ द पॉजिटिव आयन, v इज वेलोसिटी ऑफ द आयन और q इज चार्ज ऑन अ आयन एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. फिर इसमें जो एक सर्कुलर पाथ मूव करने में जो उसको टाइम लगा उसका फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू πm/qb, इन विच सिंबल का जो एज यूजुअल मीनिंग है सबका वही है. फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, कि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसकी होगी न्यू इज इक्वल टू qb/2πm. और नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा की वैल्यू होगी इसमें, ओमेगा इज इक्वल टू qb/m और या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2π ν. इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जैसे कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी फिल्टर. इसे द डिवाइस विच इज यूज टू सेलेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑफ कॉन्स्टेंट स्पीड इज नोन एज वेलोसिटी फिल्टर और दिस मेथड वॉज एम्प्लॉयड बाई जे जे थॉम्सन इन 1897 टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. दिस इज ऑल्सो यूज इन मास स्पेक्ट्रोमीटर.
इसमें होता क्या है, हमारे पास मतलब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे रीजन से पास करते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होती हैं। हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द पेपर है परपेंडिकुलरली, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप टू डाउन है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा, अगर उसकी वेलोसिटी ई अपॉन बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से अगर कम हुई तो वो मूव कर जाएगा अपसाइड, और अगर उसकी वेलोसिटी मतलब उसकी वेलोसिटी कम हुई तो वो मूव कर जाएगा अपसाइड, और उसकी वेलोसिटी ए अपॉन बी से ज़्यादा हुई, इन दोनों के रेशियो से ज़्यादा हुई तो वो मूव कर जाएगा डाउन साइड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव की साइड, और अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट हुई तो वो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगा, और उसको हम यूज़ कर लेंगे आज आ आगे एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर लेंगे, जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में और टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सिंपल कुछ नहीं है, जो चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पैराबोलिक होता है। उसकी इक्वेशन आती है वाई इज इक्वल टू हाफ क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, जो कि एक पैराबोलिक इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमने कोई भी एक लूप ट्रायंगुलर सर्कुलर कुछ भी एक लूप रखा हुआ है, उस पर जो टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू है टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा इन विच थीटा इज एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज करंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज एरिया। इसमें आता है कि अगर हमारे पास थीटा जीरो हो तो टॉर्क की वैल्यू भी जीरो होगी और वो टॉर्क होगा मिनिमम, और अगर थीटा 90 हो तो टॉर्क होगा मैक्सिमम, उसकी वैल्यू होगी टॉर्क इक्वल टू एन आई बी ए। इसमें मतलब साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 1, मेनली ये डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पर। इसमें जो टॉर्क है उसको हमने दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया हुआ है, उसकी वैल्यू है टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इन विच एम की जो वैल्यू है वो है एन आई ए, एन आई ए का मतलब है एम, एम का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, और इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी इन विच, और जो थीटा होगा जो एम बी साइन थीटा है उसमें जो थीटा होगा वो होगा एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। हाँ फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक मोमेंट। सिंपली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। इसमें जैसे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद अ करंट कैरिंग लूप इज डिफाइंड एज एम इज इक्वल टू एन आई ए इन विच एन इज नंबर ऑफ टर्न, आई इज करंट इन अ लूप और ए इज एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। जो ये है ये एक वैक्टर क्वान्टिटी है और जो इसकी ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिक ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और एटम आज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसमें याद रखने वाली बात सिर्फ एक डेफिनेशन है, वो है बोर मैग्नेटोन। व्हाट इज बोर मैग्नेटोन, इसकी डेफिनेशन है द लीस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट इज नोन एज बोर मैग्नेटोन। इसमें सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्मूले है इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू ई एच अपॉन 4 पाई एम इन विच इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज एच इज कॉन्स्टेंट एंड 4 पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें सेकेंड फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंट इज इक्वल टू एम वी आर इन विच एम इज मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वी इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और आर इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कुलर लूप। और एक और फॉर्मूला है इसे सिंपली इन्हीं से ड्राइव हुआ है, वो है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ई एल अपॉन 2 एम इन विच इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एल इज एंगुलर मोमेंट और एम एम का यहाँ पर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो उसकी यूनिट है वो है एम्पियर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब है इट इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इट मेजर्स द करंट इन म्यू एम्पियर, इट इज नेम्ड सो बिकॉज अ कोयल इज यूज इन इट विच मूव्स एंड ओसिलेट्स। मतलब कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द करंट इन द एसी सर्किट, और उसका मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल और वर्किंग। इसका प्रिंसिपल है व्हेन द करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, उस टॉर्क की वैल्यू जो होगी वो होगी टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी ए। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह है, इट कंसिस्ट्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोयल विच हैज लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स।
और दिस कोयल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट. दिस कोयल इज सस्पेंडेड बाय अ वायर विच इज मेड अप ऑफ फॉस्फोरस या फिर ब्रॉन्ज मटेरियल. इट इज़ कनेक्टेड, मतलब जो वायर है, इट इज़ जो हमारे पास ये लूप आया है, इट इज़ कनेक्टेड टू द टोरिजन हेड विच इज़ कनेक्टेड टू द टर्मिनल T1, जो अपर साइड है T1 वाला, टर्मिनल से हमने इसको कनेक्ट किया है अपर साइड वाले को. और एंड दिस वायर, जो ये सेकेंड नीचे वाली डाउन वाली वायर है, दिस वायर इज़ कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल दैट इज़ T2 थ्रू द स्प्रिंग. जो अपर साइड वाली वायर है उसमें तो हमने मिरर लगाया, और जो डाउन वाली वायर है उसमें हमने बीच में स्प्रिंग लगाया हुआ है. इसकी मेन वर्किंग जो है वो है कि जब भी हम कोई भी करंट कैरिंग कोयल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा. उसकी वैल्यू होगी टॉर्क इज इक्वल टू NIBA. ये टॉर्क होगा डिफ्लेक्टिंग, और जो इसका रेस्टोरिंग टॉर्क होगा वो भी इसमें प्रोड्यूस होगा. उसकी वैल्यू होगी K φ. और इसमें एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो इक्वल टू हो जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स. वहाँ से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आ जाएगी I इज इक्वल टू K φ अपॉन NBA, इन विच K इज अ कॉन्स्टेंट, φ इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, NBA इज नंबर ऑफ टर्न्स, B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड A इज एरिया. और इसमें जो I की वैल्यू आ जाएगी, I इज इक्वल टू G φ, और G की वैल्यू है K/NBA, और इसमें G का मतलब है गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट. और जो इसमें इसमें मेन कंसेप्ट निकल के आता है वो होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट, इट हैज़ अ लीनियर स्केल. इसका मतलब लीनियर स्केल का मतलब है कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. फिर नेक्स्ट आता है करंट सेंसिटिविटी. इसका मतलब है एबिलिटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर टू सेंस स्मॉल एज पॉसिबल करंट इज नोन एज इट्स करंट सेंसिटिविटी. इसका फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू फाई अपॉन, मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट अपॉन मेन करंट, और फाई अपॉन आई इज इक्वल टू NBA अपॉन K. ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इनका डायरेक्ट यूज़ करके हम इसमें वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं. और जो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द कोयल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट रेस्टोरिंग टॉर्क वाला कॉन्स्टेंट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. फिर एक नोट आता है जिसमें है, फर्स्ट, इफ़ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स देन करंट सेंसिटिविटी विल डेफिनेटली इंक्रीज, बट प्रॉब्लम इज दैट वी कैन नॉट इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, बिकॉज इफ वी डू सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर विल इंक्रीज. मतलब कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो इस फॉर्मूले से जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन वो कुछ लिमिट तक ही बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे उससे जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वो करंट को जो है वो करंट उसमें से पास ही नहीं होगी. अगर पास नहीं होगी तो वो करंट को डिटेक्ट ही कैसे करेगा, उसका मेन जो वर्किंग है वही खत्म हो जाएगी. सेकेंड पॉइंट आता है मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट बाई यूजिंग हॉर्सशू मैग्नेट. मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले एक्सपेरिमेंट में उसको हम बहुत बियॉन्ड द लिमिट भी इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग हॉर्सशू टाइप मैग्नेट. थर्ड आता है इसमें एरिया ऑफ द कोयल ऑल्सो कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट बिकॉज इट मेक्स द गैल्वेनोमीटर बल्की. जिसमें पॉइंट आता है कि जो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी है वो एरिया की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम अगर हम एरिया बढ़ा दें तो हमारी करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन उसको भी हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा बड़ा एरिया कर दें तो वो ज़्यादा बल्की हो जाएगा, फिर भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा. नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक इज वोल्टेज सेंसिटिविटी. इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर टू सेंस अ स्मॉल आज पॉसिबल वोल्टेज इज नोन एज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी. इसमें जो फॉर्मूला है उसका, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट अपॉन ओरिजिनल, मतलब मेन वोल्टेज, और वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NBA अपॉन KR. इसमें भी सेम ऐसी है कि जो हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिस्टोरिंग कॉन्स्टेंट और हमारे जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीमीटर. ये भी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर. सबसे पहले करते हैं हम गैल्वेनोमीटर इंटू एमीमीटर. इट कैन बी कन्वर्टेड बाय कनेक्टिंग द लो रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, दिस इज नोन एज शंट.
मतलब कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट मतलब लो रेजिस्टेंस हम अगर लगा दें तो वो वर्क करेगा एज अ एमीमीटर। उसमें जो शंट की वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी शंट इज इक्वल टू करंट इन गैल्वेनोमीटर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अपॉन मेन करंट माइनस करंट इन अ गैल्वेनोमीटर। और जो हमारे पास जब हम उसको शंट को उसमें कनेक्ट कर देंगे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, वैसे तो वो जो सेम पहले था वो ही रहेगा, कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा, पॉइंट में फ़र्क आएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू होगी आर डैश इज इक्वल टू जी एस अपॉन जी प्लस एस इन विच जी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, एस इज शंट रेजिस्टेंस। फिर इसमें एक नोट आता है मेन पॉइंट, सबसे पहले है एमीमीटर एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सेकेंड इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीमीटर इज जीरो, थर्ड इफ एमीमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इट विल ड्रॉप मोर करंट ड्यू टू इट विल डैमेज। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एमीमीटर होता है उसको हम हमेशा, जो हमारे पास सर्किट है हम हमेशा उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, अगर हम उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो वो जो करंट होगा वो उसको ज़्यादा करंट को ड्रॉप कर लेगा और वो अपने आप को ही डैमेज कर लेगा, फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इसका है इट कैन बी कन्वर्टेड बाय कनेक्टिंग अ लार्ज लार्ज रेजिस्टेंस मतलब हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर, और उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो होगी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी इन विच वी इज वोल्टेज अपॉन करंट ए माइनस जी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, और आर डैश मतलब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू होगी आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस जी मतलब आर जो हमने रेजिस्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड रेजिस्टर जो हमने सीरीज में हम ऐड करेंगे उसका रेजिस्टेंस प्लस जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा उन दोनों का सम देगा हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसमें जो नोट करने वाली बात है वो सबसे मेन वो है कि जो वोल्ट मीटर है उसको हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जो वोल्ट मीटर का आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इन्फिनिटी, जैसे कि आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। सिंपली हमने जो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस था हमने उसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और जो ये पूरा बन गया ये हो गया हमारे पास वोल्ट मीटर, और ऐसे ही हमारे पास था जब हमने गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में कन्वर्ट किया था। इसमें हमने क्या किया था कि जो हमारे पास लो रेजिस्टेंस है शंट उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था। फिर नेक्स्ट आते हैं कुछ इस चैप्टर के मेन जो ग्राफ्स हैं, मेन ग्राफ सबसे पहले आता है फॉर अ करंट कैरिंग स्टेट एंड थिन कंडक्टर ऑफ लार्ज लेंथ। अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है बिल्कुल थिन वाला स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है उसकी जो लार्ज लेंथ है वो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी लेंथ पे मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे कैसे मतलब कैसे रिलेशन है, उसका रिलेशन है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ जो आएगा वो आएगा पैराबोलिक पाथ। फिर सेकेंड है फॉर द करंट कैरिंग थिक कंडक्टर, अगर हमारे पास थिक कंडक्टर है तो उसकी जो जो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो उसके वेरी करता है, सबसे पहले जो जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द गैल्वेन इनसाइड द कंडक्टर होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। फिर जो अगर जो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा रेडियस पर वो सारी जगह कांस्टेंट होगा, और अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड द कंडक्टर हम देखें तो वो होगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और फिर थर्ड आता है फॉर अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, अगर हम उस पॉइंट से लेफ्ट या राइट में उसको शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर उसको उसकी वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है इस चैप्टर में पूरे पूरे चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी आ चुके हैं और जो न्यूमेरिकल में भी बहुत यूज़ होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट इज 1 मेगावोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10^-19 जूल, मतलब ये एक रिलेशन था मेगावोल्ट और जूल में। फिर नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इन टर्म्स ऑफ टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, उसकी जो डेफिनेशन है वो है व्हेन टू करंट कैरिंग वायर्स कैरीज करंट I1 एंड I2 आर प्लेस्ड एट 1 मीटर टू ईच अदर प्रोड्यूसेस अ फोर्स और एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2 × 10^-7 न्यूटन, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। थर्ड इज 1 गॉस इज इक्वल टू 10^4 टेस्ला।
फोर्थ इज वन टेस्ला, वन टेस्ला की डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन वेबर पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज नोन एज वन टेस्ला। फिफ्थ इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन टू वोल्ट, ई इन विच ई इज एनर्जी, ई इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड वी इज वोल्टेज। फिर एक क्वेश्चन आता है कि वट आर द फैक्टर्स ऑन विच द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। इसमें है फर्स्ट है टोरिजन कॉन्स्टेंट, सेकेंड इज एरिया ऑफ द कोयल और थर्ड इज मैग्नेटिक फील्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वायर इन मैग्नेटिक वो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। जो मतलब हमने उसमें जो वायर यूज़ की है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फर्स्ट है उसमें इट शुड बी नॉन ब्रिटल, सेकंड रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट शुड बी स्मॉल। सो दिस इज द रिविजन ऑफ फुल चैप्टर ऑफ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इन कमेंट, प्लीज डिस्कस विद me, thank you.